सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, टोपी पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि गौरैया टोपी पहनते ही उसके मन में नए नए विचार आने लगे कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। गौरैया गौरा से कहती है, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगती है, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। इस तरह से कहते हुए गौरैया आगे निकल पड़ी। लेखक कहानी के माध्यम से आगे कहता है कि गौरैया उड़ते उड़ते राजा के महल के शिखर पर जा बैठी। जब गौरैया ने राजा को पहली बार देखा तो राजा उस वक्त खुली धूप में खुशबूदार तेल की मालिश करवा रहा था। उसी समय गौरैया शिखर से चिल्लाई कि मेरे सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा ने जब यह सुना तो मालिश करवाते करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फूदने वाली टोपी देखकर राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चिड़िया के पास इतनी सुंदर टोपी कहां से आ सकती है। गौरैया लगातार दोहराई जा रही थी कि उसके सिर पर टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं। यह सुनते ही राजा ने अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया और चिल्लाया, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा के आदेश देते ही उसकी टोपी आ गई। राजा ने तुरंत टोपी पहन ली। देख रही फुदगुद्दी, राजा की बात सुनकर गौरैया ने दूसरा राग अलापने शुरू कर दिया, मेरी टोपी में 5 फुदने और राजा की टोपी में 1 भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने राजा की टोपी में फुदने नहीं। यह सुनते ही राजा को अत्यंत अपमान महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि इस देश का शक्तिशाली राजा के सामने एक छोटी सी चिड़िया इतनी हिम्मत दिखा रही है। राजा को बुरी तरह से क्रोध आ गया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन मसल दो, पंख उखाड़ दो और देर मत करो, जल्दी से इस चिड़िया को मार दो। राजा की बात सुनकर मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि क्षमा करे राजन, क्यों इस छोटी सी चिड़िया को मारकर अपने हाथ गंदे करेंगे, यह अपने आप थोड़ी देर में चली जाएगी। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, राजा की 4 टहलुए क्या क्या नहीं कर रहे थे। आपके विकल्प हैं, का सिर पर चंपी कर रहा था, खा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, गा पांव दबा रहा था, घा पीठ पर मुक्की मार रहा था। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा पांव दबा रहा था, अर्थात राजा के 4 टहलुए पांव नहीं दबा रहे थे, बाकी और सभी काम कर रहे थे। आपका अगला प्रश्न है, गौरैया जब राजा के महल पर गई तब राजा क्या कर रहा था। आपके विकल्प हैं, का राजा नौकरों से साफ सफाई करवा रहा था, खा राजा मालिश करवा रहा था, ग
गा राजा नौकरों से चिड़िया मारने को कह रहा था, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा राजा मालिश करवा रहा था। आपका अगला प्रश्न है गौरैया राजा के महल पर जाकर क्या रटने लगी। आपके विकल्प हैं का मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। खा राजा के सिर पर टोपी, मेरे सिर पर टोपी नहीं। गा राजा के नौकरों के सिर पर टोपी। घा उपर्युक्त सभी। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। आपका अगला प्रश्न है मेरी टोपी में 5 फुदने और राजा की टोपी में 5 फुदने नहीं, यह सुनते ही राजा कैसा महसूस करने लगा। आपके विकल्प हैं का इज्जत महसूस करने लगा, खा प्रसन्नता महसूस करने लगा, गा दुख महसूस करने लगा, घा अपमान महसूस करने लगा। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा अपमान महसूस करने लगा। आपका अगला प्रश्न है राजा को गुस्सा आते ही राजा ने अपने सिपाहियों को क्या आदेश दिया। आपके विकल्प हैं का इसकी गर्दन मसल दो और जल्दी से इसे मार दो, खा इसे यहां से भगा दो, घा इसे पकड़ लो, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का इसकी गर्दन मचल दो और जल्दी से इसे मार दो। आपका अगला प्रश्न है गौरैया उड़ते उड़ते कहां जाकर बैठी। आपके विकल्प हैं का राजा के सिर पर, खा राजा के बगीचे में, गा राजा के महल के शिखर पर, घा राजा के महल पर। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा राजा के महल के शिखर पर। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची। जब उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने क्यों पहुंची, स्पष्ट कीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।